कार्यक्रम में उपस्थित सभी माननीय संघ चालक वृंद और माननीय डॉक्टर बहनों भाइयों और अन्य सब महानुभावों को मैं प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, नमस्ते करता हूँ। मुझे आदेश हुआ है कि वर्तमान में जो महासंकट आया है, जिसको कोरोना संकट का नाम दिया जा रहा है, जब कभी भी देश और दुनिया के सामने इस प्रकार का संकट आता है तो संकट का काल जहां अनेक कठिनाइयां और समस्याएं लेकर आता है, वहां एक पुनर्चिंतन और पुनर्मूल्यांकन का अवसर भी देता है। मुझे ऐसा लगता है कि हम जिस दौड़ में दौड़े चले जा रहे थे, कहीं रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, इस कोरोना संकट ने कुछ मूलभूत विषयों पर चिंतन करने का अपने को अवसर प्रदान किया है। उसमें से जिस विषय को मुझे रखने के लिए कहा है वो है जीवन शैली का विषय, और जीवन शैली के विषय के संबंध में एक भारतीय दृष्टि रही है, भारतीय परंपरा रही है, वो अधिक शाश्वत है, अधिक स्थायी है, अधिक उपयोगी है, अधिक प्रासंगिक है। और जो शाश्वत चीज होती है वो कभी किसी काल तक सीमित नहीं होती, परंतु इसे हम अपना दुर्भाग्य कहें कि हम लोग भी उस भारतीय जीवन शैली को भूल गए थे, और भारतीय जीवन शैली को भूलने के कारण से जब भारत भूल गया तो दुनिया के देशों में तो उसको सम्मान मिलने का कोई कारण ही नहीं था। तो मुझे ऐसा लगा कि आज के इस कोरोना संकट के मूल में ये जीवन शैली पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। जीवन शैली क्या है? जीवन शैली एक बहुआयामी संकल्पना है, मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है। जब हम किसी भी देश और समाज की जीवन शैली का विचार करेंगे तो बहुत सारे पहलू उसमें समाविष्ट होते हैं, खान पान, रहन सहन, काम धाम, चाल चलन, आचार विचार, ऐसे अनेक बातों का संकलित नाम, सामूहिक नाम जीवन शैली है। सरल शब्दों में कहना हो तो जीवन शैली का अर्थ है जीवन जीने का ढंग। विषय को समझने और समझाने के दृष्टि से मैं जीवन शैली के तीन मुख्य आयामों की चर्चा करता हूँ। एक महत्वपूर्ण आयाम है जीवन शैली का उपभोग शैली, कंजम्पशन पैटर्न कैसा है अपना, तो इसके बारे में विचार करेंगे। और दूसरा महत्वपूर्ण आयाम है आचार और व्यवहार शैली, हमारा एथिकल पैटर्न क्या है, हमारा बिहेवियर पैटर्न क्या है। और तीसरा उतना ही महत्व का आयाम है कार्यशैली, वर्किंग पैटर्न क्या है। ऐसे तीनों प्रकार की शैली को मिला करके हम ये कह सकते हैं अपनी जीवन शैली का निर्माण होता है। जीवन शैली का किसी भी समाज में बड़ा महत्वपूर्ण स्थान होता है। कारण क्या है? जीवन शैली किसी भी देश के और समाज के विकास का कारण भी और परिणाम भी, दोनों बातें हैं। कोई देश विकास क्यों करता है तो उसके कारणीभूत महत्वपूर्ण कारणों में जीवन शैली आता है। आखिर विकास क्यों करना चाहते हैं, उद्देश्य क्या है, तो एक विशिष्ट प्रकार की जीवन शैली से जीवन जीना चाहते हैं। इसलिए जीवन शैली समाज का, समाज के विकास का कारण और परिणाम दोनों है। और सरल शब्दों में कहना हो तो जीवन शैली विकास की दिशा और दशा दोनों का निर्धारण करती है। डायरेक्शन क्या, विकास किस दिशा में चलेगा, और कुल मिला करके उस दिशा में विकास अगर आगे बढ़ गया है तो देश और समाज की अवस्था क्या रहेगी, दशा क्या रहेगी। इसे जीवन शैली का बड़ा महत्व है। और अधिक गहराई से विचार करने पर ध्यान में आता है जीवन शैली किसी समाज की सभ्यता, संस्कृति, जीवन मूल्य,
सामाजिक सांस्कृतिक संस्थाओं, व्यवस्थाओं, परंपराओं, आर्थिक गतिविधियों, उत्पादन शैली, टेक्निक और टेक्नोलॉजी के निर्धारण में भी भूमिका अदा करती है। यानी जीवन शैली किस प्रकार से समाज जीवन के अंग प्रत्यंग के निर्धारण में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है, इस दृष्टि से जीवन शैली पर विचार किया जाना चाहिए। आज के संदर्भ में अगर हम विचार करेंगे तो आज के विकास और व्यवस्था के संकट के मूल में दोषपूर्ण जीवन शैली है। इस दोषपूर्ण जीवन शैली को अगर हमने नहीं बदला, जो जिस संकट की हम चिंता कर रहे हैं वो संकट लंबे समय तक नहीं चल सकता, थोड़े बहुत समय के लिए उसकी गति मंद पड़ सकती है, परंतु इस दोषपूर्ण जीवन शैली को बदल करके हमको भारतीय दृष्टि की और दोष मुक्त ऐसी जीवन शैली के बारे में विचार करना पड़ेगा। जब मैं इसको वर्तमान जीवन शैली को दोषपूर्ण जीवन शैली कहता हूं, पश्चिम का प्रभाव आ गया दुर्भाग्य से हमारे मन पर। हम लोगों ने पश्चिम के देशों में तथाकथित संपन्न देशों ने जैसा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग प्राप्त कर लिया, हमको लगा कि वही आदर्श है, वही प्राप्त करने योग्य है, तो हमने आंख बंद करके बगैर लाभ हानि का विचार किए बिना और अंधी नकल करके इस पश्चिम की दोषपूर्ण जीवन शैली को आधुनिकता के नाम पर स्वीकार कर लिया। आजकल बड़ा शब्द चलता है खासतौर से पढ़े लिखे लोगों में कि ये पुराने जमानों की ख्याल छोड़ देना चाहिए, अब तो मॉडर्न जमाना है, अब तो साइंस का जमाना है, साइंटिफिक चीजों के संबंध में विचार होना चाहिए। इसलिए आधुनिकता के नाम पर हमने इस दोषपूर्ण जीवन शैली को स्वीकार कर लिया और इसलिए इस तमाम तरह के संकटों का कारण बना। और जब मैं ये कहता हूँ कि वर्तमान जीवन शैली या पश्चिम की जीवन शैली दोषपूर्ण कैसे, तो इस जीवन शैली में क्या समस्याएं खड़ी की और इसकी क्या विसंगतियां इनकंसिस्टेंसीज है, उसके बारे में थोड़ा विचार करेंगे, तब फिर भारतीय जीवन शैली पर हम आएंगे। ये बात तो सच है, लगभग पिछले 150-200 सालों में विश्व भर में उपभोग की मात्रा और विविधता दोनों बढ़ी, उपभोग की मात्रा भी बढ़ गई और विविधता तो इतनी हो गई जिसकी आज के 50 साल पहले हम कल्पना ही नहीं कर सकते थे। हर रोज नई नई चीजें उपभोग के लिए आ रही है और हर एक व्यक्ति उसकी आवश्यकता है या आवश्यकता नहीं है तो भी नई नई चीजों से आकृष्ट होकर के अपने उपभोग की टोकरी में उन तमाम चीजों को शामिल करता जा रहा है। इसका परिणाम क्या आ रहा है? परिणाम ये आ रहा है देश में और दुनिया में भयंकर विषमता आ गई, असमानता आ गई, क्योंकि जिस कंजम्पशन पैटर्न की, जिस लाइफ पैटर्न की बात आजकल का वेस्ट करता है वो दुनिया के तमाम देशों को प्राप्त कर सकना तो संभव ही नहीं है, परंतु होड़ चली है, वो एक ऐसा झुंझुना थमा दिया गया है, एक ऐसी दिशा दे दी गई है, तो सबको प्राप्त हो नहीं सकता। इसलिए सबको प्राप्त न हो सकने के कारण से जिनके पास साधन थे, जिनके पास संसाधन थे, जो ज्यादा ताकतवर थे आर्थिक दृष्टि से, उन्होंने अपने लिए उपभोग के दुनिया के संपूर्ण संसाधनों को बटोर लिया और शेष के पास कुछ बचा ही नहीं है। एक अनुमान ऐसा है कि विश्व भर में लगभग 20% आबादी और भारत में लगभग 30-32% आबादी जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं से वंचित है। वो जीवन जीने के लिए उनको जो न्यूनतम चीजें चाहिए वो तो मिल ही नहीं पा रहा, और इसके विपरीत दुनिया में और अपने देश में भी कुछ चंद लोग, वो अमीर लोग कहें, उनको संपन्न कहें, अधिक पैसे वाले कहें, अधिक धन वाले कहें, वो विलासी जीवन जी रहे हैं, अनावश्यक चीजों का उपभोग कर रहे हैं और गरीब व्यक्ति भूख से तड़पते हुए मरते चले जा रहे हैं। अभी हम लोग देख रहे हैं ना
प्रवासी मजदूर अपने अपने स्थानों से निकल करके अपने अपने घरों की ओर जा रहे हैं, भूख के मारे बिलखते हैं, साधन नहीं है उनके पास में, नौकरी छूट गई, काम धाम छूट गया, अपना पेट भरने लायक भी, अपने बच्चों के पालने लायक भी उनके पास साधन नहीं है। इससे चिंता यहाँ रहने वाले लोगों को भी सता रही है और अपने परिवार में दूर रहने वाले परिवार के लोगों के लिए सच कैसे जीवन चलेगा, किस प्रकार से चलेगा। तो ऐसे दूसरी ओर एक बड़ी मात्रा में, बड़ी संख्या में भूख से तड़पते हुए गरीब लोग हैं। एक अनुमान ऐसा है कि विश्व के टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, कुल उपभोग व्यय है, उसमें अमीर देशों के 20% लोगों का हिस्सा 86% उपभोग की सामग्री में, तो बचा कितना, 14% बचा, और संख्या बच गई 80%। तो 80% लोगों को 14% में ही गुजारा करना पड़ रहा, गुजारा नहीं हो रहा। इस प्रकार से समूची दुनिया में, समाज में इस वर्तमान जीवन शैली की होड़ के कारण से भयंकर असमानता खड़ी हो गई। हम देखते हैं बाजार में खरीदने और खर्च करने की होड़ लगी हुई, बाजार में कभी निकलेंगे तो लोग खरीदने के लिए दौड़ रहे हैं, मॉल में जा रहे हैं, दुकानों पर जा रहे हैं, स्टोर पर जा रहे हैं, अधिकाधिक चीजों को खरीदने की होड़ लगी हुई। कोई उनको पूछे आपको इन चीजों की आवश्यकता है क्या, आवश्यकता तो नहीं थी, पर नए फैशन की, नए डिजाइन की चीजें आ गई, तो जिनके पास साधन है वो तो ऐसी चीजों को खरीद लेंगे और जिनके पास साधन नहीं है वो खरीद नहीं पाती। एक उपभोग के अंतर्गत दिखावे का दौर चल पड़ा, प्रदर्शनकारी उपभोग हो गया है, मैं आने वाले लोगों को दिखा सकूं मैं कितनी महंगी चीजों का उपभोग कर रहा हूं, मेरे घर में सोफा कैसा है, मेरे में कालीन कैसा है, कप प्लेट्स कैसे हैं, और हमारे घर में बर्तन कैसे हैं, अनेक तरह के कपड़े कैसे हैं, बाकी गैजेट्स कैसे हैं। ऐसे लोगों को दिखा करके रोब जमाने के लिए बहुत सारी चीजों का उपभोग करने का ये मामला बढ़ता चला जा रहा है। और कई बार और भी होता है, व्यक्ति के पास में उन सब चीजों को खरीदने की क्षमता नहीं होती, पर होड़ लग गई, दूसरे की देखा देखी खरीदने का भाव चल पड़ा और इसी में प्रतिष्ठा माने जाने लगी। तो अगर उसके पास साधन नहीं है तो भी उन महंगी चीजों को खरीदने के लिए ऋण ले रहा है, कर्ज ले रहा है, बैंक से ले रहा है, मिलने जुलने वालों से ले रहा है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गरीब देशों के लोग संपन्न देशों से कर्जा ले रहे हैं, MNC से कर्जा ले रहे हैं, वर्ल्ड बैंक से कर्जा ले रहे हैं, IMF से कर्जा ले रहे हैं। ऐसे कुल मिलाकर एक देश में गरीब लोग और विश्व के आधार पर विचार करेंगे तो गरीब देश एक डेट ट्रैप में फंस गए, इस होड के कारण से कर्ज जाल में फंस गए। इस प्रकार से ये मर्यादाहीन उपभोग की जो होड़ मची है उसके कारण से ये एक संकट खड़ा हो गया। और इतना ही नहीं है, ये जो वर्तमान उपभोग का पैटर्न है वो मर्यादाहीन है, निरंकुश है और दरिद्र और दरिद्रता को रोंदने वाला है, और इसमें बड़प्पन मानता है, इसमें शान मानता है, अपने आप को बड़ा दिखाने का प्रयत्न करता है, अधिकाधिक चीजों के उपभोग करने को लेकर के बड़ा दिखाने का। तो एक तरह से दरिद्रता को पैरों तले रोंद करके कुछ लोग इस प्रकार के उपभोग के पैटर्न पर आगे बढ़ चले हैं। इसके कारण से अपने देश में भी हम देखेंगे कि लगातार बचत में कमी हो रही है। अब बचत कम हो जाएगी तो इन्वेस्टमेंट कहाँ से होगा, कैपिटल फॉर्मेशन कहाँ से होगा, और बचत और कैपिटल फॉर्मेशन नहीं हुआ तो आगे आने वाले समय में अपने देश के विकास की गति कैसे बढ़ेगी। तो इस प्रकार का एक संकट इस दोषपूर्ण जीवन शैली ने निर्माण किया। एक दूसरा संकट भी जीवन शैली ने निर्माण किया, वो तो हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया, प्रदूषण को बढ़ाया। आजकल जितनी विलासिता की चीजें हैं
जिनका फैशन के लिए उपयोग करते हैं, ऐसी विलासिता की बहुत सारी चीजों के बनाने में प्रकृति के बहुत सारे जीव जंतुओं की हड्डी मस्सा मज्जा या खून का प्रयोग होता है और उससे हम अपनी फैशन के बहुत सारी चीजों का उत्पादन कर रहे हैं। तो देश में दुनिया में बहुत सारी प्रजातियां किस फैशन के लिए नष्ट हो रही है और हमने वृक्षों को काट दिया है, हमने प्रदूषण फैला दिया है अपनी शान शौकत के नाम पर। तो ये पर्यावरण का भयंकर संकट हो गया। अभी चर्चा में से हमारे माननीय विभाग संघचालक जी ने विष्णु पुराण का उदाहरण दिया, शायद डॉक्टर राजीव जी ने दिया, विष्णु पुराण का उदाहरण देकर क्या कहा, प्रलय होने वाला। प्रलय का कारण एक बना राक्षस और आसुरी शक्तियों ने प्रकृति के साथ बेरहमी से शोषण करना प्रारंभ कर दिया, धरती की सिंकिंग कैपेसिटी खत्म हो गई, उनके उस प्रदूषण चीजों का अपने यहाँ समा सकने की क्षमता धरती माता के समाप्त हो गई। तब धरती माता देवताओं को साथ लेकर ब्रह्मा और विष्णु के पास पहुंची थी कि क्या हो रहा है, इसमें से उद्धार होना चाहिए। तो ऐसा लगता है कि वर्तमान इस जीवन शैली के कारण से ये जो पर्यावरण का नाश हो रहा है, प्रदूषण का हो रहा है, इस पर भी पुनर्विचार करने की आवश्यकता अपने को रहेगी। एक तीसरा इसकी विसंगतियां हैं, बहुत सारी चीजों को खरीदा और बेचा क्यों जा रहा है, तो उसका एक माध्यम बन रहा है विज्ञापन। हम कोई चीज क्यों खरीदते हैं, हमारी जरूरत है इसलिए नहीं, उपयोगी वो जरूरत है कि नहीं है, उसको पैदा कौन करता है, विज्ञापन पैदा करता है। जैसे पिछले दिनों आपने एक विज्ञापन देखा होगा, एक बच्चा खाने की टेबल पर बैठना चाहता है, माँ कहती है हाथ धोया क्या, आजकल तो हाथ धोने का ज्यादा वर्तमान संकट में रिवाज चल पड़ा है, उन्हें हाथ तो नहीं धो रहे, तेरे हाथ में कीटाणु है, हाथ धोकर आ, वो हाथ धोकर आया बेचारा, हाथ धोकर आएगा, हाथ धोया, हाँ धोया माँ, किससे हाथ धोया, पानी से, अरे कीटाणु है, साबुन से हाथ धोकर आ। फिर गया साबुन से हाथ धोया, क्या धोया साबुन से, कौन से साबुन से, उसने जिस साबुन से हाथ धोया था उसका नाम भरा, नहीं नहीं तुम लाइफ बॉय लिक्विड से हाथ धोकर क्या, और लाइफ बॉय लिक्विड से वो हाथ धोकर आया और माँ ने खाना खिलाने के लिए बिठा दिया। अब लोगों के मन में ये जागे आगा, अगर कीटाणु रहित होना है तो रोज लाइफ बॉय लिक्विड से हाथ धोना चाहिए, और लाइफ बॉय लिक्विड लोगों ने खरीदना शुरू कर दिया। एक दूसरे विज्ञापन का मैं साधारण तौर से उदाहरण दिया करता हूं, हम लोगों ने देखा होगा पिछले दोनों वो विज्ञापन काफी प्रचारित हुआ, एक माँ एक बहुत सुंदर सलोने छोटे बच्चे की पाउडर की मालिश कर रही है, और पाउडर की मालिश करते करते छोटा बच्चा है, बोल नहीं पाता पर संकेत समझता है, तो बच्चे को कहती है माँ तेरे पापा एरेगेरा पाउडर खरीदना चाहते थे, तेरे पापा बुद्धू है ना, तो बच्चा गर्दन हिला देता, हाँ गर्दन, और फिर कहती मैंने तेरे पापा की बात नहीं मानी, मैं तो अपने लाडले के लिए लेकर आई हूँ जॉनसन और जॉनसन, और बच्चा सलोना होता हुआ दिखा लिया और हमने जॉनसन और जॉनसन खरीद लिया। पर कैसा विष डाल दिया समाज जीवन में, कोई बच्चा पर्टिकुलर तरह का सामान अगर उसके माता पिता नहीं खरीद पाते तो उनको बुद्धू कह सकता, संस्कारों को इस विज्ञापन ने नष्ट कर दिया। विज्ञापन एक अनावश्यक चीजों की इच्छाओं की आवश्यकताओं को उत्पन्न करता है, भ्रामक विज्ञापन है, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट है, पर हम सब उस मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट के वशीभूत होकर बहुत सारी चीजों को खरीदते चले जा रहे हैं, तो ये अनैतिक है। अगर हम, मैं विस्तार के कारण से नहीं बोलता, बहुत सारे विज्ञापनों का अगर हम विश्लेषण करेंगे तो विज्ञापन पति पत्नी के रिश्तों में दरार डाल रहे हैं, माँ बाप और बच्चों के रिश्ते में दरार डाल रहे हैं, समाज जीवन में अनेक लोगों के बीच में दूरी पैदा कर रहे हैं, और इस प्रकार से वस्तुएं बेच रहे हैं। तो ये वस्तुएं बेचने का बहुत ही अनैतिक
मिसलीडिंग तरीका शुरू हुआ है और इसके कारण से हमारे यहाँ पर वस्तुओं की मांग बढ़ती चले जा रही है और हमने इसको प्रगति मान ली। और अब तो क्या हो गया, समूचा संसार एक हो गया। एक हो जाना अच्छा ही है, कोई बुराई नहीं है, पर विश्व के बाजारों का एकीकरण हो गया। दुनिया के किसी भी देश में बनने वाला सामान आपको दिल्ली में मिल जाएगा, बॉम्बे में मिल जाएगा, पुणे में मिल जाएगा, छोटे स्थानों पर भी मिल जाएगा। और ये जो विश्व के अनेक अनेक स्थानों पर पैदा होने वाला सामान है उसको नए नए नाम दिया, उसको नाम दे रहे हैं ये ग्लोबल गुड्स है। अर्थात इन वस्तुओं को खरीदोगे तो ये वैश्विक स्तर की तुमने चीजें खरीदी है ऐसा माना जाएगा। वो ग्लोबल एलिट शब्द चल पड़ा, ग्लोबल टीन्स शब्द चल पड़ा, तो स्टेटस सिंबल हो गया। इस प्रकार की चीजें बहुत महंगे दाम है, चमचमाती है, पैकिंग बहुत अच्छी होती है, परंतु उसके अंदर कुछ है कि नहीं है इसका विचार नहीं करते। तो ऐसे सामान वैश्वीकरण के कारण से, ग्लोबलाइजेशन के कारण से दुनिया के संपन्न देशों में पैदा होने वाले सामान सब देशों के बाजारों में भर गए, तो वहां लोकल प्रोडक्ट्स तो खत्म हो रहे हैं, वो तो सेकेंडरी हो गए। तो जो अच्छे अच्छे मॉल्स में, बड़ी बड़ी दुकानों में ऐसे सामानों को देखेंगे तो जिनके पास पैसा है वो तो खरीद लेगा, पर दुकान के सामने जब गरीब गुजरता है तो उसके मन में भी लालसा उत्पन्न होती है कि मैं भी इस प्रकार का सामान खरीदूं, मेरा भी स्तर बढ़ जाएगा, मैं भी समाज में बड़ा आदमी माना जाऊंगा। पर खरीद नहीं सकता, साधन नहीं, पैसा नहीं है, तो उसके मन में लालसा के साथ साथ लालसा की और इच्छा की पूर्ति न करने के कारण से असंतोष पैदा होता है और वो असंतोष बढ़ते बढ़ते विद्रोह का रूप ले लेता है। तो ये उपभोक्तावादी जो संस्कृति कंज्यूमरिज्म का निर्माण हो गया है उसके कारण से लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम खड़ी हो रही है। ये मधुर विषय, ये इस प्रकार का कंज्यूमरिज्म के आधार पर अपने कंजम्पशन पैटर्न को ढालना और जीवन शैली को बनाना एक मधुर विष जैसा होता है। ऊपर से अच्छा लगता है, मधुर लगता है, मीठा मीठा लगता है, चमकीला लगता है, परंतु शरीर को मन को तो वो विषैला बना देता है। तो ये भी इस जीवन शैली का नुकसान अपने को ध्यान में आ रहा है। अगली बात जीवन शैली के बारे में विचार करेंगे तो ये जीवन शैली अमानवीय है, नैतिक मूल्यों का पतन हो रहा है जीवन शैली के कारण से, सामाजिक सांस्कृतिक मनोवैज्ञानिक संकट खड़ा, साइकोलॉजिकल संकट खड़ा हो रहा है इसके कारण। सामाजिक दूरियां बढ़ रही है, संस्कृति तो नष्ट ही, सांस्कृतिक जीवन मूल्य तो नष्ट ही होते चले जा रहे हैं, परिवारों का विघटन हो रहा है। परिवार में अगर परिवार का प्रमुख व्यक्ति एक विशेष प्रकार की चीज नहीं खरीद पाता वैसा जीवन स्टैंडर्ड, तो तलाक हो रहे हैं इसके कारण से। सामाजिक दूरियां बढ़ रही है तो परिवार टूट रहे हैं इसके कारण से। और इससे आगे बढ़ करके आजकल इस वर्तमान तथाकथित नई मॉडर्न जीवन शैली के कारण से विवाहेतर संबंधों को मान्यता दे रहे हैं, खुलेआम बोल रहे हैं आप विवाह से पूर्व भी और विवाह के बाद में भी किसी नर नारी से संबंध बना सकते हैं। आजकल तो मॉडर्न सिविलाइज सोसाइटी में कौन है हमको चेक करने वाला, ये तो शरीर हमारा है, मैं अपने शरीर का क्या करता हूँ, इसको मान्यता प्राप्त होती चले जा रही इसके कारण से। और धीरे धीरे ये जीवन शैली के कारण से हत्याएं और आत्महत्याओं का दौर हो रहा है, विशेषकर युवा पीढ़ी में इस शैली के कारण से लोग नशे के उसमें फंस गए, नशीले हो गए हैं, और नशीले होने के कारण से धीरे धीरे उनका शरीर और मन दोनों खराब हो गए हैं। और इतना ही नहीं हो रहा है, अनाचार बढ़ रहा है, अत्याचार बढ़ रहा है। ये जो यौन शोषण की अनेक घटनाएं हमको ध्यान में आ रही है, अगर गहराई से विचार करेंगे तो अनेक कारणों में से एक कारण इस प्रकार का
स्वच्छंद योनाचार है, इसको आज की जीवन शैली में प्रतिष्ठा की बात मान लिए, रेव पार्टी होने लग गई नवयुवक और नवयुवतियों की, और उसके कारण से कोई लज्जा नहीं है, कोई शर्म नहीं है, उसको प्रतिष्ठा और सम्मान का विषय मान लिया गया है। और इतना ही नहीं हुआ, मैं दो उदाहरण देता हूं। कुछ वर्षों पहले एक विस्की की दुकान पर विस्की लेने के लिए गया, तो विस्की की उसने मांग की, पर विस्की देने में वो जो काउंटर पर लड़की थी उसने देरी कर दी, इसलिए गुस्सा आ गया और उसने समय पर विस्की न देने के कारण से उसकी हत्या कर दी। उसका नाम था जयसिका लाल, कुछ वर्षों पहले अखबारों में उसका नाम पर जयसिका लाल का दोष क्या था, वो तुरंत विस्की मांगी और तुरंत विस्की नहीं दे सकी। तो विस्की वाला व्यक्ति कैसा अनाचारी अत्याचारी हो सकता, इसका उदाहरण। एक ऐसा ही दूसरा उदाहरण लखनऊ में घटा। एक व्यक्ति आइसक्रीम लेने के लिए गया आइसक्रीम की दुकान पर, उसने कहा कि मुझे कसाटा आइसक्रीम चाहिए। आइसक्रीम के भी अनेक प्रकार है, मेरे जैसा व्यक्ति तो आइसक्रीम वगैरह खाता नहीं, नाम ही सुना है। तो उसने कहा साहब कसाटा आइसक्रीम तो खत्म हो गई, नहीं है इस समय पर। अरे क्यों खत्म कर दी तुमने, मैं आ रहा था, मैं आने वाला था, मुझे कसाटा ही लेनी। उसने कहा साहब कसाटा तो नहीं उपलब्ध है। तो इसी में से गुस्सा होकर के उस आइसक्रीम बेचने वाले रघुराम की हत्या कर दी। तो मैंने ये दो उदाहरण इसलिए दिए, इस प्रकार के उपभोग शैली के कारण से किस प्रकार से हत्याएं, आत्महत्याएं, अनाचार, अत्याचार, हिंसाचार ये बढ़ते चले जा रहे हैं, इसका उदाहरण है। और इस जीवन शैली के कारण से हम लोग रोज देख रहे हैं, तनाव रहने लगा, व्यक्ति टेंशन में आता है, डिप्रेशन में चला जाता है, अकेलापन लगता है, सूनापन लगता है, क्योंकि उस प्रकार की जीवन शैली अगर किसी कारण से नहीं अपना पा रहा है, वो तो होड़ है ना, हर एक व्यक्ति उस होड़ में नहीं जा सकता, तो डिप्रेशन हो जाता है, टेंशन में हो जाता है। तो ऐसी बहुत सारी जो घटनाएं आपने को ध्यान में आ रही है, उसका कारण भी वर्तमान जीवन शैली। और अंत में जो विषय मैं कहना चाहता हूँ, यहाँ बैठे हुए डॉक्टर मित्रों ने हमको बताया है, आजकल पहले तो शायद स्वीकार नहीं करते होंगे, पर आजकल अधिकांश चिकित्सा शास्त्री ये मानने लगे हैं, शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक बहुत सारी बीमारियां हैं, उसका मुख्य कारण ये गलत खान पान है, गलत रहन सहन है, गलत आचार विचार है, इसके कारण से बहुत सारी प्रकार की बीमारियां आ रही है। इसमें लाइफ स्टाइल बदलने का सवाल आजकल के और चिकित्सा शास्त्री भी करने लगे हैं। तो ऐसा कुल मिलाकर के ये वर्तमान दोषपूर्ण जीवन शैली क्या क्या इनकंसिस्टेंसीज लेकर के खड़ी है, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स लेकर खड़ी है, वो संक्षेप में मैंने आपके सामने रखा। अब प्रश्न है, इसका जवाब है क्या, उत्तर है क्या, समाधान है क्या, समाधान कहाँ है? तो समाधान के लिए हमको भारतीय पुरातन शाश्वत परंपरा, हमारे मनीषी, हमारे विद्वान, हमारे ऋषि, हमारे शास्त्रों में जो कुछ कहा उसके बारे में विचार करना पड़ेगा। वही जीवन शैली अगर अपनाई तो होगा, उसको मैंने कहा धारण क्षम जीवन शैली, यानी सस्टेनेबल, जिसके अंग्रेजी में सस्टेनेबल शब्द है, उसके लिए धारण क्षम, सरल शब्द में उसको टिकाऊ कहते हैं, लंबी चल सकने वाली जीवन शैली कहते हैं। तो हमारी इस भारतीय शाश्वत धारण क्षम जीवन शैली के क्या क्या मुख्य बातें हैं जिन पर हमको विचार करना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण है आहार, जो सबसे ज्यादा दुर्लक्षित हो गया है। जानकार लोग, समझदार लोग ऐसा कहते हैं, जीवन जीने का पहले ककहरा का नाम है आहार। अगर आपको जीवन जीना है तो पहला काम क्या, आहार की ओर ध्यान देना, वो आहार ही की ओर ध्यान देना ही हमने छोड़ दिया है। महर्षि चरक नाम के बहुत बड़े हमारे चिकित्सा शास्त्र के प्रणेता हो गए। ऐसी कथा आती है
कि महर्षि चरक ने बहुत सारे लोगों को आयुर्वेद समझाया पढ़ाया, और फिर वो आयुर्वेद आचार्य कई मिलकर के कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, गोष्ठी कर रहे थे। महर्षि चरक ने सोचा कि इन्होंने क्या सीखा, जो मैंने सिखाया वही सीखा, कुछ और सीखा। तो एक पक्षी बन करके वो पेड़ पर पहुंच गए और उन्होंने प्रश्न किया उन आयुर्वेदाचार्यों से, किम भुक्तम, क्या खाना चाहिए। अब उन्होंने तरह तरह से बहुत लंबे लंबे व्याख्यान दिए, समझाया। तो पक्षी ने कहा नहीं, गलत है। तो उनको ध्यान में आ गया, ये पक्षी नहीं है, कोई कोई है। तो उनका महाराज आप बताइए। तो तीन सूत्र महर्षि चरक ने उस समय पर बताए। अब धीरे धीरे लोगों को यह ध्यान में आ रहा है, ये महत्वपूर्ण आहार के सूत्र है। उन्होंने कहा मित भूक, हित भूक और ऋत भूक, ऐसे तीन शब्द दिए। मित भूक यानी कम खाना, जितनी भूख है उतना भरपेट नहीं खाना। तो कम खाओगे तो स्वस्थ रहोगे। अब तो चाहे जितनी बार खाना, चाहे जैसे खाना, चाहे जितना खाना, बहुत सारी बातें ध्यान में आ रही है। हमारी पेट की बहुत सारी बीमारियां हो रही है, इसी के कारण से हमारा खाने पर संयम ही नहीं रहा। तो महर्षि चरक ने कहा मित भूक, कम खाना, और दूसरा उन्होंने बहुत महत्व की बात कही हित भूक। अरे कौन सी चीज खाना, हितकारी चीजों को खाना, अहितकारी चीजें नहीं खाना। अब आप मैदा की चीजें खाओगे, बाजार में मिलने वाले सामानों को खाओगे तो बीमार हो ही जाओगे ना। आजकल तो इस प्रकार के फूड चल पड़े हैं, उसके कारण से बीमारी ज्यादा आती है, व्यक्ति का स्वास्थ्य कम होता, पर समय नहीं है किसी के पास में तुरंत, और तुरंत खाने के लिए चाहिए, बनाने के लिए रसोई में कोई तैयार नहीं है। इसलिए उन्होंने बहुत विस्तार के साथ ये बताया कि आहार करते समय, भोजन करते समय व्यक्ति को भी विचार करना चाहिए कौन सा हितकारी है, कौन सा है अहितकारी। हमारे शास्त्रों में बहुत विस्तार के साथ में इसके बारे में बताया गया, कौन से पदार्थों का सुमेल है और कौन से बेमेल है। चाहे जिसको चाहे, जिसके साथ नहीं खाना। अब अमरूद को दूध के साथ नहीं लेना चाहिए, हमारे यहाँ बताते हैं, पर वर्तमान में तो किसी को याद ही नहीं। मैं बहुत विस्तार में नहीं जाता। अगर हम पढ़ेंगे चरक संहिता को पढ़ेंगे, और अभी जैन संत हो गए हैं बहुत बड़े आचार्य महाप्रज्ञ, आचार्य महाप्रज्ञ ने महावीर का स्वास्थ्य शास्त्र करके पुस्तक लिखी, बहुत विस्तार के साथ में उन्होंने उस पर उसका वर्णन किया है। स्वास्थ्य के लिए कौन सा हितकारी भोजन है तो उसका विचार करना चाहिए, किस भोजन का किसके साथ मेल ठीक बैठेगा उसी का करना चाहिए, जो बेमेल है उसका नहीं करना चाहिए। ऐसे ही गायत्री परिवार के जो संस्थापक थे पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, उन्होंने आहार को लेकर के विस्तार के साथ पुस्तकें लिखी, पढ़ने लायक है। वैसे तो हमारे किसी भी शास्त्र में जाएंगे, किसी भी आज भी किसी मनीषी का व्याख्यान सुनेंगे तो व्याख्यानों में ये बताता है क्या लेना चाहिए और क्या नहीं लेना चाहिए। और गीता को भी हम देखेंगे तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश देते समय तीन प्रकार के आहारों का वर्णन किया है, सात्विक, राजस, तामस। मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता। उन्होंने सात्विक आहार कौन कौन सा होता है ये बताया, राजसी आहार कौन कौन सा होना चाहिए बताया, तामसी आहार कौन कौन सा होना चाहिए, और जिन्होंने सात्विक काम करना है उन्होंने सात्विक आहार लेना चाहिए। तो ऐसा आहार के हित भूक, ऐसा उन्होंने कहा। और तीसरा तो अद्भुत सूत्र दिया महर्षि चरक ने, वो तो आजकल के नए जमाने के लोग तो उसकी कल्पना ही नहीं कर सकते। वो कहते हैं ऋत भूक। ऋत भूक का अर्थ है ईमानदारी से, धर्म मार्ग से, न्याय मार्ग से, कानून का पालन करते हुए जो कमाई करते हो उसी का बनाया हुआ, उसी का खरीदा हुआ भोजन करना चाहिए, उसको ऋत का, प्रामाणिकता का, ईमानदारी से। पर आजकल तो कोई ध्यान नहीं देते, अप्रामाणिकता की कमाई वाले लोग ही ज्यादा तरह की वस्तुओं का आहार करते हैं। इसलिए हमको महर्षि चरक ने जो ये सूत्र दिए उसके बारे में विस्तार के साथ में विचार करना चाहिए। भोजन और आहार के संबंध में हमारे मनुष्यों ने अनेक तरह की
बातों का और भी विचार किया है। उन्होंने कहा देखो भोजन बनाते समय और भोजन खिलाते समय और भोजन करते समय मन के कैसे विचार है इसका प्रभाव पड़ता है आपके भोजन पर। भोजन ग्रहणी बना रहे, गुस्से में है, तनाव में है, शिकायत लेकर के है, भोजन का पदार्थ कहने को अच्छा बनाया होगा परंतु वो भोजन कारगर नहीं होता। भोजन करने वाला तनाव में, अवसाद में, गुस्से में, परेशानी में, समस्याओं में जूझ रहा, वही उसके मन में विचार चल रहा आप कितने तथाकथित अच्छे पदार्थ खाइए, हमारे शास्त्रों में कहा गया उसका उपयोग नहीं होगा। तो भोजन बनाने समय पर हम जानते हैं पुराने समय हमारी माताएं बहनें जब भोजन बनाती तो भजन बोलती रहती। पहले के समय में तो घरों में परिवार में माताएं बहनें चक्की भी पीसा करती थी। मेरी माँ चक्की पीसती थी और मेरी माँ चक्की पीसते पीसते इतने भजन गाते हुए आटा तैयार करती थी तो उसके अंदर वाइब्रेशंस होता था। तो हमारे यहाँ कहा भोजन बनाते समय भोजन कराने वाले का और भोजन करने वाले का कैसा भाव है, कैसा व्यवहार है, कैसा विचार है, उसका बड़ा मन होता है। एक सूत्र अपने शास्त्रों में मिलता है, प्रसन्न मना भुंजीत। भोजन करते समय प्रसन्न मन होकर के भोजन करना चाहिए। जो थाली में आ गया है वो प्रसाद है भगवान का, उसको प्रसन्नता से ग्रहण करेंगे तो आपको जितने तरह के, आप तो डॉक्टर्स हैं यहाँ, कोई प्रोटीन विटामिन पता नहीं क्या क्या आप लोग बताते हैं, तो वो जो भी भोजन कर रहे हैं उस भोजन का अत्यंत स्वास्थ्यप्रद परिणाम होगा। हमारे शास्त्रों में और भी एक बात कही, अकेले भोजन नहीं करना, यानी केवल स्वयं ने ही नहीं खाना, आपको परमात्मा ने साधन दिया है तो केवल तुम्हारे उपभोग के लिए दिया है क्या, तो उसके लिए तो नहीं दिया। हमारे यहाँ तो वेदों में आया समानी प्रपा सह वो अन्न भाग है, अथर्ववेद में आया ये, हमारे सबके पानी पीने के जल स्थान समान हो, हमारे सबके अन्न भाग भोजन ये समान हो। हम बोलते हैं संघ के अनेक कार्यकर्ता हूँ सहना भक्तु सहनो भनक्तु ऐसा बोलते हैं ना, सब मिलकर के हम काम करेंगे और सब मिलकर के और भोजन करेंगे, आहार करेंगे। और जो केवल अकेले के लिए भोजन करता है, अकेले के लिए ही पकाता है, किसी और को अपने भोजन में नहीं बांटता, ऋग्वेद ने तो बहुत सख्त संदेश दिया है, केवलाघो भवती केवल आदि, जो केवल अपने लिए भोजन बनाता और भोजन करता है वो तो महापापी है, वो तो दुष्ट है, इसलिए उस प्रकार से भोजन नहीं करना चाहिए। एक है स्वादु न भुंजी, ऐसा कहा अकेला कितना ही सुस्वादु भोजन हो अकेले ने नहीं खाना चाहिए, बांट कर खाना चाहिए। हमारे शास्त्रों में आहार के संबंध में दो प्रकार के शब्द आते हैं, एक अमृत और विघस, यही आहार में लेना चाहिए। अमृत हमारे यहाँ किसको कहा, यज्ञ शेष को कहा। यज्ञ शेष का मतलब है हमारे पास जो कुछ साधन है, जो कुछ सामग्री है, जो कुछ भोजन के भिन्न भिन्न पदार्थ है, उनको समाज के लिए समर्पित कर देना, उसी को यज्ञ का। और समाज को समर्पित कर देने के बाद जो कुछ शेष बचता है वो यज्ञ प्रसाद मान करके ग्रहण करना, वो अमृत है, अमृत तुल्य भोजन है। तो भोजन का और आहार के संबंध में हमारे यहाँ का विघस का, विघस किसको का, भुक्त शेष। आपके परिवार में बूढ़े लोग हैं पहले उनको भोजन करवाइए, छोटे बच्चे हैं पहले उनको दीजिए, अपने घर में कोई नौकर चाकर है उनको दीजिए, घर में कोई अतिथि आ जाता है पहले उसको कहे, तो उसके बाद जो कुछ उनके सबकी सेवा करने के बाद बचता है उसको कहा भुक्त शेष यानी विघस। तो हमारे यहाँ भोजन और आहार के संबंध में इस प्रकार से बहुत विस्तार के साथ में विचार किया है। संक्षेप में मुझे कहना हो तो आहार संतुलित होना चाहिए, सात्विक होना चाहिए, सुपाच्य होना चाहिए और सीमित होना चाहिए, ऐसा आहार के संबंध में विचार करना पड़ेगा हमारी जीवन शैली के बारे में। पुनः दुनिया भर में भी थोड़ी बहुत मात्रा में चिंतन प्रारंभ हुआ
पर वर्तमान समय में अगर भारत में हमने इसको प्रस्थापित पुनः किया तो दुनिया भी हमको फॉलो करेगी। दूसरी बात, जीवन शैली में पहनावा है, रहन सहन स्तर है, निवास है। पहनावा कैसा आ गया? पहनावा फैशन के कारण से बहुत टाइट पैंट्स आ गए, टाइट कपड़े पहनने का रिवाज पड़ गया। बॉडी अंदर से दिखाई देनी चाहिए, ऐसे पहनावे आ गए। भारत तो अधिकांशतः गर्म देश है ना, तो शरीर को हवा ही नहीं लगती, शरीर तक प्रकाश ही नहीं पहुंचता। टाइट के कारण से चर्म रोग हो रहे हैं, अनेक प्रकार की बीमारियां हो रही है। इतने हमारे पहनावे के बारे में विचार करते समय और जलवायु का ध्यान में रखना पड़ता है, मौसम का ध्यान में रखना पड़ता है, स्थान का ध्यान में रखना पड़ता है। जो ट्राइबल इलाके का पहनावा अलग होगा, ग्रामीण इलाके का पहनावा अलग होगा, पहाड़ी इलाके का पहनावा अलग होगा, मैदानी इलाके का पहनावा अलग होगा, बर्फीले जहां ज्यादा बर्फ पड़ती वहां पहनावा अलग होगा। सब एक जैसा नहीं हो सकते, तो इसके बारे में भी हमारे यहाँ बहुत विस्तार के साथ कहा कि शरीर में पहनावा कैसा डालना। एक बार ऐसे मजाक का विषय है, विवेकानंद को किसी वेस्टर्न व्यक्ति ने कहा, तुम्हारा ये तो ढीला ढाला चौगा है, ये कोई पहनावा है क्या? कोई आ गया तुमसे लड़ने भिड़ने के लिए तो इस बड़े चौगे को लेकर के कैसे तुम लड़ सको? तो विवेकानंद ने बहुत सुंदर उत्तर दिया कि बात, तुम हमेशा लड़ने मरने को तैयार रहते हो, हम तो प्रेम और स्नेह के आलिंगन में संपूर्ण संसार को बांधने के लिए होते हैं, इसलिए हमारा पहनावा हमेशा लड़ने मरने के लिए नहीं होता। हाँ, जब युद्ध के मैदान में जाना होता तो वैसा पहनावा होता। इसे पहनावा के संबंध में भी इस प्रकार का विचार करना चाहिए। और रहन सहन के तौर तरीके में श्रम और परिश्रम ये धीरे धीरे विलुप्त हो रहा है। परिश्रम करना ही भूल गए, श्रम करना ही भूल गए। और इसलिए आजकल के इस कोरोना संकट में ये ध्यान में आ रहा होगा, श्रम और परिश्रम न करने के कारण से बहुत सारे संकट आ रहे हैं। तो अपने जीवन में हम परिश्रम को स्थान देना चाहिए। जितना परिश्रम अपना अच्छा होगा, मेहनत होगा, उतना ही प्रकार से अपन बहुत सारी समस्याओं का समाधान कर सकेंगे। इसलिए इसका विचार करके भी हम लोगों को और अपने रहन सहन को बनाना चाहिए। अपने मकानों का डिजाइन भी बदल गया है। पुराने मकानों का विचार करेंगे हम तो पुराने मकान इस प्रकार से बनाए जाते थे, हमारी जो स्थापत्य शैली थी उसमें स्वाभाविक रीति से प्रकाश प्रवेश करता था, ताजी हवा प्रवेश करती थी। आजकल तो मकान ऐसे बनने लगे कि हवा पहुंच ही नहीं पाती, प्रकाश पहुंच ही नहीं पाता। छोटी मोटी खिड़कियां भी होती है तो बाद में उनको तथाकथित महंगे कर्टेन से हम बंद कर देते हैं। तो इसके स्थापत्य कला के बारे में भी, मकानों के डिजाइन के बारे में भी फिर से विचार करना पड़ेगा अपने को। तो वैसा विचार करेंगे तो योग्य प्रकार की जीवन शैली अपने हो सकेगी। और तीसरी बात, अपनी जीवन शैली में महत्व का विषय है दिनचर्या। दिनचर्या तो बिगड़ गई अब हमारी। आजकल के नौजवान तो देर रात को सोएंगे, भोजन भी देर रात को करेंगे और फिर सूर्योदय के बहुत घंटे के बाद में देरी से उठेंगे। देरी से सोना, देरी से खाना और देरी से उठना, इस प्रकार का अपने यहाँ की ये दिनचर्या हो गई। इसके कारण से बड़ा नुकसान हो रहा है, व्यवहार शैली वैसी हो गई हमारी। जब आपकी योग्य दिनचर्या नहीं रहेगी, किस समय पर कौन सा काम करना इसका ध्यान नहीं रहेगा, तो दिनचर्या बिगड़ जाने के कारण से आप संपूर्ण प्रकार के संकटों का आह्वान करेंगे। और भगवान महावीर ने दिनचर्या के संबंध में एक बहुत महत्वपूर्ण सूत्र दिया है, काले कालम समाचरे, ऐसा वो सूत्र है। किस काल में कौन सा काम करना, इसका विचार करके ही वह काम की दिनचर्या बनाना चाहिए। और आगे उन्होंने समझाया, अन्नम अन्न काले, पानम पान काले, शयनम
शयन काली, अर्थात जब भोजन का समय भोजन करो। अब भोजन का समय तो आप भोजन करते नहीं हो और असमय भोजन करते हो, वो पचता ही नहीं है। रात के 11 बजे भोजन क्या, सो गए, पचेगा थोड़ा ही। इसलिए भगवान महावीर ने कहा जो एक समय निश्चित होना चाहिए भोजन का, तो अन्न के समय पर भोजन के समय पर भोजन करना और पीने के समय पानी के समय पर पानी पीना। पानी के संबंध में आजकल तो बहुत सारी बातें, आप सब डॉक्टर्स लोग भी कहने लगे कि भोजन करते ही पानी नहीं पीना, उसका एक समय देना और एक घंटा डेढ़ घंटे के बाद में भोजन पानी पीना। और पानी पीने की भी पद्धति अपने आप पर बनाए, गटागट एकदम पानी नहीं पीना, घूंट घूंट पानी पीना। और घूंट घूंट पानी पिएंगे तो वो पानी ऐसे पिया हुआ आपको पाचन शक्ति को दुरुस्त करेगा। और फिर भगवान महावीर ने कहा शयनम शयन काले, जब सोने का समय उस समय पर विश्राम पर जाना है। सोने के समय जागते रहे, लेट तक नींद पूरी हुई नहीं तो फिर शरीर को उसमें से नुकसान होता है। तो दिनचर्या बनाते समय इन बातों को ध्यान में रखें और वर्तमान की दिनचर्या में योग और प्राणायाम को, एक्सरसाइज को स्थान देना चाहिए ना। अब तो चाहे कोरोना के कारण से ही कहो, बाबा रामदेव और अनेक योगाचार्य बता रहे हैं ना, इम्यूनिटी पावर बढ़ानी है तो प्राणायाम करो, योग करो। वो दुनिया के लोग भी अब योग, भारत के योग को स्वीकार कर रहे हैं। ये कोई भारत का योग है ऐसा नहीं, विश्व के लिए दी गई भारत के मनीषियों का योगदान है। केवल भारत के लिए ऐसा नहीं, संपूर्ण संसार के लिए जो अपना काम चाहता है, अपना कल्याण चाहता है। इसलिए योग और प्राणायाम को अपनी दिनचर्या में हमने स्थान देना चाहिए और कोई कोई परिश्रम और श्रम को अपनी दिनचर्या में स्थान देना चाहिए। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ, सुबह से रात्रि तक या तो बैठ बैठ करके ही काम करेंगे या एसी में ही जाना और एसी में ही आना, कहीं शरीर में पसीने निकले हुए ही वर्षों हो गए। अरे शरीर से पसीना नहीं निकलेगा तो आप स्वस्थ कैसे रहेंगे। इसलिए मैं विस्तार नहीं करना चाहते हैं, तो इस दिनचर्या में इस योग को, प्राणायाम को, एक्सरसाइज को, परिश्रम को इस प्रकार से देना चाहिए। तो चौथी बात, भारतीय जीवन शैली में जिसको बहुत महत्व दिया है वो आचार शैली को बड़ा महत्व दिया। आचरण कैसा है, शुद्ध आचरण है कि इस आचार शैली के बारे में भी जानकर देंगे। आजकल आ रहा है, महाभारत आ रहा है, दुर्योधन और युधिष्ठिर में फर्क क्या, आचरण का ही फर्क है। और फिर हमारे यहाँ संयम पर जोर दिया है, संयम के द्वारा ही हम जीवन शैली को ठीक करते सकते हैं। और फिर रासायनिक खेती के स्थान पर जैविक खेती के पदार्थों का सहयोग करना और अंततो गत्वा सर्वे भवन्तु सुखिनः, संपूर्ण विश्व का मंगल हम देखना चाहते हैं तो हमारी जीवन शैली ऐसी हो जिसके कारण से संकट से संपूर्ण विश्व बाहर आ सके, ऐसा विश्व के मंगलकारी जीवन शैली, ये भारतीय जीवन शैली के सूत्र है। मैंने कुछ बातें रखी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।